Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हमने अभी तक माइटोसिस स्टडी किया. नाउ वी विल डिस्कस मियोसिस. मियोसिस का हमने क्या बताया था? दैट मियोसिस की दो मेन स्टेजेस होती हैं. मियोसिस वन एंड मियोसिस टू. लेट्स डिस्कस मियोसिस वन फर्स्ट. मियोसिस वन का प्रोफेज जो होता है, जैसा माइटोसिस में था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वैसे ही मियोसिस में भी होता है. बट मियोसिस वन का जो प्रोफेज होता है उसकी सब फेजेस या सब स्टेजेस भी होती हैं. लेट्स डिस्कस प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर देन दैट ऑफ माइटोसिस एंड मोर कॉम्प्लेक्स है. ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि माइटोसिस से ज्यादा लॉन्गर फेजेस है और ज्यादा सब स्टेजेस है. माइटोसिस में तो कोई भी सब स्टेज थी ही नहीं, बट प्रोफेज वन में सब स्टेजेस है. As compared to the prophase of mitosis, it has been further subdivided. Five phases होती हैं. कौन-कौन सी? Leptotene, zygotene, pecketene, diplotene and diakinesis. Let's discuss इनको डिटेल में. Leptotene जो होता है, leptotene में क्या होता है? Compaction of chromosomes. Chromosomes compact होते हैं, जिसकी वजह से वो gradually visible होते हैं under the माइक्रोस्कोप. एंड ये जो कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये कंटिन्यू करती है थ्रू आउट द लेप्टोटीन. नेक्स्ट इज जाइगोटीन स्टेज. जो क्रोमोसोम्स है इन जाइगोटीन स्टेज, दे स्टार्ट पेयरिंग अप टुगेदर. जो क्रोमोसोम्स है वो पास आएंगे एंड पेयर्स बना लेंगे. इसे बोलते हैं साइनैप्सिस. ये जो एसोसिएशन है, ये जो क्रोमोसोम्स पास आ रहे हैं, इसे बोलेंगे साइनैप्सिस. And such paired chromosomes को बोलेंगे homologous chromosomes. Electron micrograph of this stage indicate करता है that chromosome synapses is accompanied by chromosome synapses जो है वो कैसे होता है, क्या होता है उसमें, क्या company होती है उसमें? Formation of complex structure that is synaptonemal complex. Homologous chromosomes pass आते हैं, वो क्या करते हैं? साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर्ड साइनैप होमोलोगस क्रोमोसोम्स उसे बोलते हैं बाइवेलेंट और टेट्राड. क्रोमोसोम्स हैं, ये पास आए तो ये क्या हुए? बाइवेलेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं. एंड टेट्राड क्यों बोलेंगे? Because four sister chromatids है, इसलिए tetrad. Next coming to the pecketin stage. Pecketin stage में chromosomes easily visible होते हैं and appearance of recombination nodules. Pecketin stage में mainly क्या होता है? Exchange of genetic material between two homologous chromosomes. जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास में आए हैं, पेयरिंग की है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे. क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस. क्या है वो एंजाइम? कौन करवाता है इसे? रिकॉम्बिनेशन कराता है बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स. दिस क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ genetic material on the two chromosomes. Recombination between homologous chromosomes end होती है in pecketin stage and leave करती है chromosomes linked at the site of crossing overs. Crossing over हुई है किस पे? Homologous chromosomes पे. तो जो chromosomes leave करते हैं, they are linked at the site of crossing over. Next is diplotene stage. Dissolution of synaptonemal complex occurs in this diplotene stage. इसमें क्या होता है? Tendency of recombined homologous chromosomes of the bivalent ही थे ना, दो homologous chromosomes थे, पास आए थे, उन्हें हमने क्या कहा था? Bivalent या फिर tetrad. उनकी जो tendency है homologous recombined homologous chromosomes की,
वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, रिकम्बाइन किए, सेपरेट कहाँ हो रहे हैं, डिप्लोटिन स्टेज पे, फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट करते हैं एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर्स। जब अलग होंगे तो एक्स शेप स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाएगा एंड उसे बोलेंगे कियास्माटा। इन ऊ साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और इयर्स। कुछ वर्टिब्रेट्स के ऊ साइड्स में जो डिप्लोटिन स्टेज है वो मंथ्स और इयर्स इतनी लॉन्ग भी हो सकती है। लास्ट इज डायकाइनेसिस स्टेज। लास्ट किसकी है ये स्टेज, प्रोफेज वन की। इसमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा होता है। कियास्माटा कहाँ फॉर्म हुआ था, डिप्लोटिन स्टेज पे जो भी कियास्माटा फॉर्म हुआ था उसकी टर्मिनलाइजेशन होती है। ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाएंगे। मियोसिस वन के प्रोफेज वन में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रही है और वो पूरी तरीके से हो जाएगी डायकाइनेसिस स्टेज में। मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मियोटिक स्पिंडल क्या करेंगे, असेंबल करेंगे एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स को तैयार करेंगे किसके लिए, सेपरेशन के लिए। पास में आए थे वो, उन्होंने पेयरिंग की थी, सेपरेशन के लिए तैयार करेंगे डायकाइनेसिस स्टेट में। जो डायकाइनेसिस स्टेट है वो स्टेज है वो लास्ट स्टेज है मियोसिस वन के प्रोफेज वन की। बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेक डाउन कर जाएगी एंड डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज स्टेज। डायकाइनेसिस स्टेज के बाद मेटाफेज स्टेज के लिए रेडी हो जाएगा सेल। डिटेल में देखते हैं क्या किया हमने स्टेजेस ऑफ प्रोफेज ऑफ मियोसिस वन में। लेप्टोटीन स्टेज में क्या हुआ, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स जो थे वो कंडेंस हुए। रेप्लिकेशन कहाँ हुई थी, एस फेज में हुई थी, वो क्रोमोसोम्स क्या होंगे अब कंडेंस हो जाएंगे। जाइगोटीन स्टेज में साइनाप्सिस हुई थी, जो भी क्रोमोसोम्स है वो पास आए थे, पेयरिंग की थी उन्होंने और इससे साइनाप्सिस किया था। पैकेटिन स्टेज में बाइवेलेंट है वो बना था, बाइवेलेंट या टेट्रार्ड हुआ था फॉर्म होमोलोगस क्रोमोसोम से एंड क्रॉसिंग ओवर भी हुई थी। क्रॉसिंग ओवर मींस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डिप्लोटीन स्टेज में साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट हुआ था, कियास्माटा फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट इज डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस जो है वो एंड है प्रोफेज वन का, जिसके बाद मेटाफेज ऑफ मियोसिस वन शुरू होगी। सो ये था प्रोफेज ऑफ मियोसिस वन। नेक्स्ट वी विल स्टडी दैट मेटाफेज कैसे आता है मियोसिस वन में और उसमें क्या क्या होता है।